खाने में क्या बनाया आज? अभी तक कुछ नहीं बनाया है, आप अपना खेलो। अच्छा जल्दी खाना बनाओ, मैं जब तक खेलता हूँ। के पापा सुनो ना, घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे को भूख भी लग रही है, अब मैं क्या बनाऊं? ये तो मैं भी समझ रही हूँ, आपको जॉब से निकाला गया है आपकी बीमारी की वजह से, इसको स्कूल से भी निकाला गया है इसकी फीस नहीं भर पाने की वजह से, पर मैं अब करूँ क्या? हमारे घर में भी कमाने वाला कोई भी नहीं है, हमारा बच्चा भी छोटा है और ये कहीं काम भी नहीं कर सकता है, घर का बिल भी देना है, बच्चे के स्कूल की फीस भी देनी है, आपकी दवाइयों का पैसा कहाँ से आएगा? घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है, अब हमारा टाइम कैसे पास होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं कहीं जॉब पे चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा या अर्नव को कौन देखेगा? इसलिए मैं भी कहीं जॉब नहीं कर सकती। मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। जल्दी आना, ज्यादा दूर नहीं जाना। अच्छा मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये शॉप है, चलो इधर जॉब देखता हूँ। अंकल मुझे जॉब की सख्त जरूरत है, मुझे यहाँ पर जॉब मिल सकता है प्लीज? बेटा आप इतने छोटे हो, मैं आपको जॉब पे नहीं रख सकता। यार इतना छोटा, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो जॉब ढूंढ रहा है। अभी किधर और जॉब ढूंढना पड़ेगा। ऊपर से कितनी गर्मी है आज, क्या करूं? कोई मुझे जॉब में भी नहीं रख रहा, अपने मम्मी पापा की कैसे हेल्प करूं? इस रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब तो मिल ही जाएगा ना? छोटे इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ आपसे बात करनी है। इधर बैठ जाओ आप। छोटे मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आप किस प्रॉब्लम में हो? जब आप सब्जी वाली शॉप पर जॉब के लिए आए थे वो मैंने सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैं पापा के लिए मेडिसिन खरीद सकूं। तो आपके पापा जॉब क्यों नहीं करते? पापा बीमार है इसीलिए उन लोगों ने जॉब से निकाल दिया। आप स्कूल जाते हो क्या? जी मैं स्कूल जाता हूँ, मगर आज मुझे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मम्मी पापा के पास फीस नहीं थी। वैसे मेडिसिन के अलावा और किस चीज की जरूरत है? कुछ पैसों की, कुछ खाने की। अगर मैं आपकी ये प्रॉब्लम दूर कर दूँ उसके बाद आप स्कूल जाओगे? हाँ मैं स्कूल जाऊँगा। तो फिर आप मुझे अपने मम्मी पापा से मिलाओगे? हाँ चलो मैं आपको घर लेके जाता हूँ। चलो आओ आप मेरे साथ। मेरा नेक्स्ट बिल्डिंग में घर है। अच्छा अच्छा चलो आ जाओ। दो घंटे हो गए अब तक अर्नव आया नहीं, गया कहाँ ये लड़का? जाओ जाके तुम देख के आओ, पता नहीं मुझे अर्नव कहाँ गया, मुझे टेंशन हो रही है। नहीं नहीं आपको ऐसे अकेला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शायद अर्नव होगा।
कहाँ गए थे तुम इतनी देर में? कितनी परेशान हो गई थी। और ये भैया कौन है? मम्मा ये हमारे हेल्प करने आए हैं। क्या आप माइंड ना करें मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे कुछ बात करनी है। जी जी आ जाइए। यहाँ बैठिए। आपके लिए कुछ चाय पानी लेके आऊं? नहीं नहीं थैंक यू। वैसे ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है, इसके पापा। अच्छा आप किस काम से आए हमारे घर में? मैं आपके घर इसलिए आया हूँ, मैंने इसको काफी जगह जॉब ढूंढते हुए देखा है और इतनी छोटी एज में इसको कोई जॉब पर नहीं रख रहा। और फिर मैंने इससे इसकी प्रॉब्लम पूछी और इसने मुझे बताया कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इसके साथ आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ। वैसे मैंने अपना एक नया ऑफिस ओपन किया है, उधर काफी वर्करों की जरूरत है और वो काम भी ऑनलाइन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वो कंपनी ज्वाइन करें और घर बैठे काम करें। आपको हर महीने उसकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और हाँ, छोटे को लाजिम स्कूल भेजना, और जैसे ही इनकी तबीयत ठीक होती है और ये भी मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आप आए, मेरी तो आधी प्रॉब्लम ही दूर हो गई। ये मेरा कार्ड है और कल आप इस लोकेशन पर आ जाना और आके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देना। चलता हूँ मैं। आज जो कुछ भी हुआ सिर्फ तेरे वजह से हुआ। आज मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। हेलो एवरीवन, तो ये शॉर्ट फिल्म आपको कैसी लगी? बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं।